यकीनन आज का जो हड़ताल है, मुत्तहिदा अपोजिशन में शामिल पार्टियों पुश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और साथ मरकज़ी अंजुमन ताजरान रजिस्टर की जानिब से आज ये मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है क्विटा में और सपैर 3 बजे जलसा होगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये सिलसिला अचानक नहीं है, ये कोई हम अचानक कोई स्ट्राइक की कॉल हमने नहीं दी है। हम ये पिछले 9 महीनों से जब से हुकूमत बनी है, हम बार बार असम्बली फ्लोर पे उन तमाम चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में हमारे सूबे के लिए, हमारे इस आवाम के लिए मुसीबत का और मुश्किलात का जो है बाइस बनेंगी। उन तमाम चीज़ों का हमने असम्बली फ्लोर पे उनको निशानदेही भी की, हमने नरम और सख्त दोनों लहजे भी इस्तेमाल किए, हमने असम्बली फ्लोर के अंदर जितने जमहूरी तरीके थे एहतजाज के, हमने वो तमाम तरीके एहतजाज के वो भी इस्तेमाल किए। अब मसला ये है कि 2018-19 का तो PSDP इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, वो तो ज़ाया हो गया। 18-19 की PSDP में कोई 86 अरब रुपए का PSDP था, 86 में से 6 अरब भी ये लोग खर्च नहीं कर पाए, बाकी तमाम पैसे ज़ाया हो गए। अब ये 19-20 का PSDP बनने जा रहा है। अब मसला ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि पैसे ज़ाया हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, असल मसला ये है कि आगे NFC अवार्ड भी आ रहा है। इससे पहले भी बलूचिस्तान पे कई स्कीमों पे बलूचिस्तान के हिस्से पे कट लग चुका है, इसलिए कि पिछले जो दौरे हुकूमत थी उसमें कुछ पैसे लैप्स हुए, तो मरकज़ की तरफ से या NFC में जब बैठते हैं ये लोग तो वहाँ पे ये ब्लेम हम पे लगता है कि जी आप पैसे डिमांड तो करते हो, आप लोग खर्च नहीं कर सकते, तो पैसे लेके आपने करना क्या है? आज मुतहदा अपोजिशन का हड़ताल है, मरकज़ी अंजुमन ताजरान ने इसका हिमायत किया हुआ है, तो आपके सामने सारे शहर वालों ने शहर को बंद कर दिया, तमाम दुकानें बंद हैं, तो आपको मालूम है कि महंगाई और बदामनी और इस हवाले से आज ये शटर डाउन हड़ताल है। तो अपोजिशन वालों का बहुत अच्छे मौके पर इसने हड़ताल का काल लिया है। आपको मालूम है कि कल पूरा 5 रुपया जो है डॉलर ऊपर हो गया था, तो डॉलर ऊपर होने की वजह से आपको मालूम है कि सारा रोज़मर्रा की जितनी भी चीज़ें हैं वो महंगा होता है, तो रोज़ बरोज़ ये महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम और ताजरों के लिए बहुत तकलीफ की बात है। और इसके साथ साथ आपको मालूम है कि हमारे सूबे में एक तेज़ रफ्तार मिठरे गैस का लाया हुआ है, तो हमारे ताजर बिरादरी और आवाम इन लोग ये तेज़ मीटरों की वजह से गैस का जो मीटर लगाया है हमारा सूबे में, तीनों सूबे ने इसको मसरत कर दिया, हमारा सूबे में इसने लगाया है, तो हमारा सूबे के जो आवाम है वो बिलखसूस ताजर बिरादरी बहुत परेशान है इस मीटरों से। तो बार बार हमने मुकाम बाला से रबिता किया है, लेकिन इस मुकाम बाला ने और मुकाम बाला के अफसरों ने इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया है। क्या ये जो गैस का बिल है, इतने बड़े बड़े बिल आता है लोगों के पास, तो सारा लोग परेशान है। इस हवाले से हम लोगों ने इसके साथ दिया और भरपूर साथ देंगे, जितने दिन भी एहतजाज हो जाएंगे, ईद के बाद फिर एहतजाज करेंगे, और हर एहतजाज में हम अपोजिशन के साथ